वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है वो जो कंपनी है वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। नमस्कार, मैं अनाम सदन जड़प देख रहे हैं एक न्यूज 24 से। पीआई एमएल के विधायक हैं संदीप सौरभ, वो सरकार के ऊपर जोरदार हमलेबार हुए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार ने जो नौकरियां दी, नौकरियां देने की जो संभावनाएं जताई वो एनडीए की सरकार ने सब खत्म कर दी। एनडीए की सरकार में पेपर किस तरीके से लीक किया गया, इसी चीज को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो शिक्षक का पेपर लीक हुआ था उनकी जो समस्या है वो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और नालंदा उन्हें सांसद का सीट मिला है सीपीआई एमएल को, तो ऐसे में उनका कहना था कि हम नालंदा से सीट निकालेंगे, ये सब मुद्दे जो हैं हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। पहले सुनिए सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं। वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियाँ निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है वो जो कंपनी है वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो। नालंदा को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं सर? 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग, अब देखिए वो बोलना बंद कर दिया है, 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। लेफ्ट को मात्र 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे? अब निश्चित तौर से देखिए इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा। 9 सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग पालीगंज से विधायक है, झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसमें कुछ बोलेंगे आप? झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप? कोडरमा से हैं आप, लड़ रहे हैं, कहाँ के पत्रकार आप? आप लिखे हुए हैं इसमें नालंदा लोकसभा से? पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है, वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करेंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। सर, पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप, संदीप सौरभ जी, कन्हैया कुमार का भी जो है सीट को साथ किया, इस पे क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी वो नहीं चाहे, हम क्यों कुछ कहेंगे? और इंडिविजुअल क्यों इंपॉर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा? संदीप जी, पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप? जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। संदीप जी, पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप? संदीप जी, पाटलिपुत्र सीट वहां का रहेगा, जो जनता के मुद्दे हैं उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया,
तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप? संदीप जी पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप? लगाइए। हम चाहते थे, आपको किसने कहा कि हम चाहते थे कुछ भी? पार्टी ने जहां से आदेश दिया, पार्टी ने तय किया, वहां से हम लड़ रहे हैं। हो गया ना? आपने साफ तौर पर सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए की सरकार में पेपर लीक हुई है, महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी, नौकरी देने की संभावना जताई, लेकिन एनडीए की सरकार ने पेपर लीक हो गया, शिक्षक की पेपर लीक हुई थी, उसको लेकर जोरदार हमलेवार हुए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बेल्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला सामने आया आप लोगों ने भी देखा, ये विधायक हैं सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ, उनका साफ तौर पर आरोप था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए की एक भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाली है, ये संदीप सौरभ का आरोप था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी पिंडू के साथ मैं सदन जी।